खदरेट के चक्रव्यून प्लेइंग 11 की तरफ से रोहित और युगल किशोर ओपनिंग के लिए उतरे। युगल किशोर पहली बॉल से आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं और पहली बॉल को उठाकर खेलने की कोशिश की। दूसरी बॉल को अच्छे तरीके से सम्मान दिया, पहली बॉल में छक्का मार दिया था इन्होंने और काफी अनुभवी प्लेयर नजर आते हैं ये देख करके। गोलू पहला ओवर लेकर के तीसरी बॉल गोलू की और बैट्समैन को छकाया, साथ ही विकेट कीपर को भी छकाया। एक बार फिर से गोलू और रोहित सामने सीधे फील्डर के हाथ में इस बॉल को मार दिया। वहां पर बच्चा भाई ने कैच लिया, रोहित ने खाता भी नहीं खोला और गोलू के पहले ही ओवर में 8 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिर चुका है खदरेट की चक्रव्यून प्लेइंग 11 का। तो चक्रव्यून प्लेइंग 11 ने एक ओवर की समाप्ति पर 8 रन बना लिए। गोलू ने शानदार बॉलिंग की इस ओवर में, सिर्फ 8 रन दिए। और ये देखते हैं युगल किशोर एक बड़ा विकेट, रन आउट, क्या ये डायरेक्ट हिट हो सकती थी? जी हाँ, ये डायरेक्ट हिट होती तो युगल किशोर का बच जाता विकेट। युगल किशोर जी को वापस जाना पड़ता लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। सूरज ने दूसरे ओवर की शुरुआत कर दी है और युगल किशोर जी का साथ दे रहा है जितेंद्र ने शानदार सामने बॉल को खेल दिया 4 रनों के लिए। अंपायर ने इस बॉल को 4 रन के लिए एक बार फिर से कट मारा है, 2 रन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स इन प्लेयर्स के बीच, लेकिन अंपायर का डिसीजन आता हुआ 4 रन के लिए। एक बार फिर सूरज की 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके आ चुके। तीसरी बॉल डॉट बॉल यहाँ पर, लेकिन भाई का 1 रन और मिलेगा। 3 बॉलों पर 9 रन सूरज ने इस ओवर में दे दिया अभी तक। चौथी बॉल युगल किशोर जी अच्छा खेल रहे हैं और अपने अनुभव दिखाते हुए अच्छा इस बॉल को डिफेंस करके और बड़ी तेजी से 1 रन बटोर लिया अपनी टीम के लिए। एक बार फिर जितेंद्र जी ने फिर सामने मारा है और एक अच्छी फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली सामने, लेकिन 2 रन लेने से कोठार की टीम इनको नहीं रोक पाई। चक्रवीन प्लेइंग 11 के अच्छे बल्लेबाजी के बीच में ही एक और विकेट, सूरज ने जितेंद्र जी को क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पर। और देखते क्या यॉर्कर बॉल थी और सीधे विकेट पर जा टकराई और जितेंद्र जी को क्लीन बोल्ड कर दिया। जितेंद्र जी ने अपनी पारी में 11 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 2 चौके भी लगाए। 3 ओवर की समाप्ति पर चक्रव्यून प्लेइंग 11 ने 28 रन बना दिए 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर पहाड़ों की ये पिच कई तरीके के चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे फील्डर्स के साथ साथ पेड़ भी यहाँ पर लगे हुए हैं। पहले बल्लेबाज के लिए एक अच्छी चुनौती होती है, पहले फील्डरों के बीच में से गैप निकालना, उसके बाद पेड़ों के बीच में से गैप निकालना। और युगल किशोर जी ने गेंद को, लेंथ बॉल थी, उठा दिया है लेकिन पेड़ों ने बॉल को फील्ड कर लिया और सिर्फ 2 रन ही मिलेंगे। दौड़ करके 2 रन लिए, गोलू का ओवर अच्छा जाता हुआ। एक बार फिर 1 रन के लिए इस बॉल को खेल दिया, सम्मान दिया बॉल को अच्छे तरीके से। तेज शॉट लगाने के साथ साथ बॉल को सम्मान देना भी समझते हैं। एक बार फिर सिंगल चुरा लिया बड़ी आसानी से युगल किशोर जी एक बार फिर, और इन्होंने बाहर छक्का लगाने की कोशिश की, बीट हुए, साथ ही विकेट कीपर भी बीट हुए और 1 रन भाई का भी। सूरज चौथा ओवर लेकर के और बॉल को रोक दिया बड़े प्यार से। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, चौथा ओवर सूरज डाल रहे हैं। युगल किशोर जी ने 2-3 डॉट बॉलिंग खेलनी, लगातार इस बॉल को मार दिया सामने।
लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक बार फिर सूरज और अच्छी फील्डिंग विकेटकीपर द्वारा यहाँ पर लेग साइड में छक्का चौका लगाना बहुत मुश्किल काम है। छक्का तो लग भी सकता है लेकिन चौका लगाना तो लगभग लगभग इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि पहाड़ की चोटियों पर बॉल को चढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। चोटियों को क्लियर करना तो आसान काम होता है लेकिन चोटी पर बॉल को चलाना मुश्किल काम होता है। विकेटों के बीच में बड़ी तेज दौड़ लगा रहे हैं। ये पांचवा ओवर चल रहा है, राकेश ने अच्छे ओवर डाला, सिर्फ 5 रन दिए थे इस ओवर में। और ये क्या कैच हो सकता था? जी हाँ, बहुत अच्छा कैच हो सकता था। हैप्पी के बिल्कुल एक उंगली से बॉल लग करके गई। राकेश स्लोअर बॉल का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये फुल टॉस बॉल डाल रहे हैं और देखते हैं क्या ये नो बॉल हो सकती थी। जी हाँ, ये बिल्कुल नो बॉल हो सकती थी और अंपायर से एक बड़ी गलती हुई, लेकिन अंपायर का डिसीजन ही मान्य होता है। एक बार फिर राकेश ने अपना 5वां ओवर अच्छा निकाला और ये विकेट सीधे हाथों में दे बैठे राहुल। राहुल ने सिर्फ 3 रन बनाए, काफी देर क्रीज पर जरूर टिके और 3 रन बनाकर राकेश को अपना विकेट दे गए। अगले बल्लेबाज ये बहुत ही पावरफुल शॉट खेलते हैं और इन्होंने अच्छा शॉट मारा और सिंगल चुरा लिया। राकेश अपने ओवर में एक बार फिर से सामने मारा हवाई फायर, लेकिन बॉल पेड़ से जा टकराई और दौड़कर फिर भी 2 रन ले लिए इन्होंने बड़ी आसानी से। राकेश का अच्छा ओवर घटता हुआ, राकेश का आखिरी बॉल होगी इस ओवर की और सम्मान दिया इस बॉल को और इसी के साथ ये ओवर समाप्त। अब नए बॉलर हर्ट्स आए हैं यहाँ पर। हर्ट्स फुल टॉस बॉल डालते हैं, इनको मना किया गया था कि फुल टॉस बॉल नहीं डालनी, फिर भी इन्होंने फुल टॉस बॉल डाली। एक बार फिर से हर्ट्स ने फुल टॉस बॉल डाली और सामने खेल दिया और अंपायर का डिसीजन इस बार भी 4 रन, पहली बॉल पर छक्का तो दूसरी बॉल पर चौका। लगातार हर्ट्स फुल टॉस बॉल डाल रहे हैं, तीसरी बॉल को देखते हैं हर्ट्स क्या कमबैक कर पाएंगे। जी हाँ, कमबैक किया हर्ट्स ने और डॉट डिलीवरी के साथ। एक बार फिर से चौथी बॉल क्लीन बोल्ड, हर्षुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। हर्षुल ने अपनी पारी के दौरान 11 रन बनाए, एक चौका और एक छक्का लगाए इसी ओवर में। नए बल्लेबाज क्रीज पर आए और आते ही बॉल को देखना पसंद किया उन्होंने। हर्ष ने 2 बॉलिंग खराब डाली, उसके बाद अच्छी बॉल डाल रहे हर्ष और सामने खेल दिया बॉल को सीधे 4 रनों के लिए। नए बॉलर आदर्श आए हैं यहाँ पर। आदर्श ने पहली बॉल वाइड के साथ शुरुआत की और आदर्श की अब पहली बॉल ऊपर की तरफ मारी और यहाँ पर मैं क्रिकेट नाइट यूट्यूब चैनल का ओनर यहीं पर खड़ा था और मेरे से बड़ी चूक हुई थी, मिसफील्डिंग, जिसकी वजह से 2 रन इन्होंने ले लिए थे। एक बार फिर और खेल दिया है सीधे बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। शॉर्ट पिच बॉल को ये कहाँ छोड़ने वाले हैं, इनके हाथ में बैट नहीं। 5 ओवर के बाद तो बैट गदा नज़र बनता हुआ नज़र आ रहा है। सामने फिर खोलने की कोशिश की युगल किशोर जी ने। 5 ओवर तक तो अपनी पारी को अच्छे सम्मानजनक रूप से आगे बढ़ाया था, लेकिन 5 ओवर के बाद तो इन्होंने बैट को गदा में तब्दील कर दिया है। एक बार फिर लेंथ बॉल थी और उसको ऊपर की तरफ खेला है, यहाँ पर एक बार फिर मेरे से मिस फील्डिंग हुई थी और यहाँ पर 2 रन लिए इन्होंने। लक्की आए और लक्की ने स्लोअर बॉल का इस्तेमाल किया, अच्छी बॉल डाल रहे हैं। लक्की के ओवर में ज़्यादा रन आए नहीं, सिंगल हिटिंग इस ओवर में हुई और इन्होंने स्लोअर बॉल के साथ स्कोर पर लगाम लगाई। यहाँ पर स्पिनर्स को अच्छा मोमेंट मिल रहा है
तो वहीं पर तेज गेंदबाजों की अच्छी खासी भलाई हो रही है। आठवां ओवर चल रहा है, आठवें ओवर की समाप्ति पर 68 रन पर 4 विकेट हो जाएंगे चक्रव्यूह प्लेइंग 11 के। एक बार फिर लक्की अपने ओवर में बॉल डाल रहे हैं और बैट्समैन हिट नहीं कर पा रहे हैं। एक बार फिर बॉल वहीं पर और एक ये इन्होंने सिंगल चुरा लिया बड़ी आसानी से। अब युगल किशोर जी इनकी बॉल को हिट नहीं कर पाई, यॉर्कर जोन में यह बॉल पड़ी और सीधे विकेट कीपर के पास जा पहुंची ये बॉल। अब रोहन आए और रोहन पहली क्लीन, राजा देशपाल ने क्लीन बोल्ड कर दिया रोहन को अपने ओवर की पहली ही बॉल पर। ये स्पिन बॉल, सभी तेज बॉल डाल रहे थे, पहला स्पिनर और पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया रोहन। यहाँ पर स्पिन को इन्होंने समझा और अच्छे तरीके से बॉल को डाला। मैं पहले फास्ट बॉल डालना चाहता था लेकिन बाद में मैंने डिसाइड किया कि इस पर स्पिन बॉल ज़्यादा अच्छा काम करेगी और मैंने स्पिन डाली। पहली बॉल पर विकेट निकाला, दूसरी बॉल डॉट डाली और तीसरी बॉल पर एक बार फिर से मैं बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया। 3 गेंद 2 विकेट, अभी तक कोई रन नहीं दिया और तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड। दोनों बल्लेबाजों के लेग स्टंप पर जाकर बॉल लगी। एक बार फिर नए बल्लेबाज और इन्होंने बॉल को सामने खेलने की कोशिश की लेकिन अच्छी फील्डिंग। इस ओवर में अभी तक 4 बॉलें हो चुकी, कोई रन नहीं आया। 5वीं बॉल फुल टॉस गलती से डल गई और 2 रन दौड़ कर ले लिए दोनों बल्लेबाजों ने। 5 बॉलें हो चुकी इस ओवर में, अभी तक 2 रन आ चुके हैं। अभी तक इस पारी का सबसे अच्छा ओवर, आखिरी बॉल और सामने खेला, अच्छी फील्डिंग। पारी का आखिरी ओवर, हर्ष पहली बॉल फुल टॉस और सीधे 6 रनों के लिए। हर्ष सबसे महंगे साबित हुए इस पारी के दौरान। दूसरी बॉल फुल टॉस, फिर से हर्ष लगातार फुल टॉस बॉल डालते हैं और एक बार फिर अंपायर का इशारा, सिर्फ 2 रन होगा। हर्ष की तीसरी बॉल, आखिरी ओवर चल रहा है। युगल किशोर जी कहां बॉल को बकसने वाले हैं, फुल टॉस अगर इनको मिलेगी तो सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी और 6 रन। हर्ट्स उस जगह पर छक्का लगवा रहे हैं जहां पर छक्का लगाना तो दूर की बात, प्लेयर सोच भी नहीं सकते। चौथी बॉल हर्ट्स की, और ये रन आउट, चौथी बॉल पर शुभम रन आउट हो गए, 2 रन बनाकर सैक्रिफाइस किया इन्होंने। युगल किशोर जी के लिए 5वीं बॉल को सामने खेल दिया है और सीधे 4 रनों के लिए। हर्ष इस पारी में सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए, सामने खेला है एक बार फिर से और बहुत तेज दौड़ रहे हैं युगल किशोर जी, जैसे इनकी उम्र और अनुभव है, अपने अनुभव और उम्र का फायदा उठा करके। कुठार की तरफ से गोलू ने 2 ओवर में 16 रन, सूरज ने 2 ओवर में 16 रन, 1 विकेट, राकेश ने 1 ओवर 5 रन, हर्ष और ने भी 1 विकेट लिया, सबसे महंगे साबित हुए। आदर्श और लक्की को विकेट नहीं मिला, राजा ने 1 ओवर 2 रन 2 विकेट। और मिलेंगे दूसरी पारी में एक बार फिर। वीडियो लंबा हो रहा था, तब तक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और देखते रहिए सिर्फ क्रिकेट नाइट। थैंक यू।